हिंदुस्तान की संस्कृति है कि यहाँ पर शादी को सात जन्मों का नाता कहते हैं। पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेते समय सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी करते हैं। परंतु अगर पति के मन में खोट आ जाए और वह पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी रह जाए तो फिर पत्नी का रुद्र रूप दिखाई देता है। आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह की खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गरीबों के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू की हैं, जिनका धरातल पर पालन भी हो रहा है। इनमें से एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी है, जिसके अंतर्गत पंजीयन करवाकर निःशुल्क शादी की जाती है, जिसके अंतर्गत गृहस्थी शुरू करने के सम्मान के साथ साथ कुछ रकम नकदी भी मिलती है, ताकि गरीब शादी करके अपनी गृहस्थी शुरू कर सके। धार जिले के बदनावर में भी इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर वधु ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। इस आयोजन में अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक भवन सिंह शेखावत, कलेक्टर श्रीमन शुक्ला सहित कई लोग शामिल हुए, परंतु बीच आयोजन में घटित एक घटना ने सबको चौंका दिया। नानू राम हनुमंतिया, जो कि पहले से ही शादीशुदा था और दो तीन बच्चों का बाप था, सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ का हिस्सा लेने के लिए उसके मन में लड्डू फूटे। शादी समारोह में उसकी पहली पत्नी पहुंच गई और दूल्हे राजा की जमकर धुनाई की और मंडप से घसीटते हुए बाहर ले गई। शासन की योजना तो बहुत अच्छी योजना है और शासन ने जिस तरह के लागू की वास्तविक का एक जो गरीब लोगों को बेटियों की जो शादी की परेशानी आती थी और परेशानियों को देखते हुए शासन मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू की है वास्तविक अच्छी योजना। पर हम नीचे वाले जनप्रतिनिधि और अधीनस्थ कर्मचारी जिनका दायित्व है कोई सही तरीके में अगर इसको निभाए तो जो एक दीनदयाल जी की योजना है कि अंतिम पक्ते में खड़ा व्यक्ति को उसका फायदा मिले वास्तविक उस प्रकार की योजना है। दादा, इसमें कई जगह ये देखा गया कि जो जोड़े थे उनकी दोबारा भी शादी हुई है, ऐसे जोड़े भी आए थे शामिल हुए। ऐसा तो नहीं है और मेरा ज्यादा ख्याल है हमारे जितने आदर्श कर्मचारी थे, जनप्रतिनिधि थे, पंचायत सरपंच था, जनपद सदस्य था, सभी ने देखकर